गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 1, आप सभी को गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं स्पेशली वाली डिश। तो हमने ये ले लिए है आलू, तो इसको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसमें मैंने कुछ मसाले भी ऐड किए हैं, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके इसमें फ्राई कर रही हूँ। एक चुटकी मैंने जीरा ऐड किया था सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने प्याज हरी मिर्च डाली, फिर उसके बाद मैंने एक चुटकी नमक डाला, एक चुटकी मैंने हल्दी पाउडर डाला। उसके बाद मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। तो देख सकते हैं मेरी जो प्याज थी वो ब्राउन हो चुकी है। तो ये फाइनली ये फ्राई हो चुकी है। तो इसमें अब हम ऐड करने वाले हैं, तो ये था एक टमाटर, इसको भी मैंने कट कर लिया था, तो इसको मैं ऐड करने वाली हूँ टमाटर को। जब हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो इसको हम लो कर देते हैं ताकि जल्दी से जो हमारा टमाटर वो अच्छे से पक कर रेडी हो जाए जल्दी से। तो उसके बाद अगर टमाटर हो जाएगा फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगी ये आलू, इसको भी छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है। फिर उसके बाद तो आज मैं बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं कौन सी डिश है, अभी तक दिखाई तो नहीं है, तो अब दिखाई देते हैं। तो ये है साबूदाने। तो मैंने एक बाउल में एक कटोरी है, ये एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया था, तो इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। तो देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं। तो हाँ से देखिएगा ऐसे हो रहा है, आप लोगों को पास से दिखाते देखिएगा, बहुत अच्छे से गल कर रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया 2-3 बार पानी में, वॉश करने के बाद फिर मैंने इस वाले बाउल में डाला। तो देख सकते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अभी हम आप लोगों को पूरी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसलिए बोल दिया है क्योंकि जो मेरा मोबाइल है वो हैक कर जाता है, तो शायद मैं बाद में बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ आप लोगों से। तो देख सकते हैं हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से गल चुके हैं। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं, इसको स्लो करते हैं क्योंकि लो थी। अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम जो आलू, तो मैंने इसमें आलू ऐड किए। आप चाहे तो बिना आलू के भी खिचड़ी बना सकते हैं साबूदाने के, लेकिन मुझे आलू ऐड करना था। आप लोग जाए तो कुछ सब्जी वगैरह भी ऐड कर सकते जो आप लोगों की फेवरेट हो, पर मुझे सब्जी वगैरह नहीं डालनी थी तो मैंने आलू डाले इसमें। तो मेरे आलू तो पहले ही बॉईल किए थे, तो इसको हमें ज़्यादा तो फ्राई नहीं करना। तो चलो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं साबूदाने। तो देख सकते हैं मैंने साबूदाने ऐड कर दिए इसमें, तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे जो साबूदाने डाले हैं इसमें वो अभी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो इसलिए अभी हमें इसको काफ़ी देर तक पकाना है, तक के पकाना है जब तक भी अच्छे से जितना भी इसमें पानी वो अच्छे से मैश कर ले। देख सकते सभी लोगों को खांस लग रहा है, तो हमने जल्दी डाल दिए इसमें साबूदाने। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खास सहन नहीं होता।
तो जैसे अभी हमने डाल दिए अच्छे से, बाकी के जो बचे हुए थे तो हम इसको भी डाल देते हैं। देखो सभी लोग कैसे खास रहे हैं। इसको भी मैंने ऐड कर दिया है, इसको भी हम अच्छे से मैश कर देते हैं। क्योंकि ये चिपकते जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा शायद गाइस, तो हम आप लोगों को एक टिप्स बताते हैं। जो साबूदाने होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साबूदाने खाया करो तो बहुत ही अच्छा। और हाँ, इससे एक चीज़ भी और है, इससे हेल्थ भी अच्छी बनती है साबूदाना खाने से। इसकी जो खिचड़ी बना के खाओगे ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ बनती है। आप चाहे बिना आलू के भी बना सकते हो, इससे हेल्थ बनती है और विटामिन ज़्यादा रहता है इस साबूदाने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को आप लोग नाश्ते में सुबह मॉर्निंग में ये दे सकते हो, आराम से। बच्चे आप लोगों के पढ़ने जाते हो तो आप लोग लंच में दे सकते हो बच्चों को। बहुत ही जल्दी आसान तरीके से बनकर ये रेसिपी रेडी हो जाती है, काफ़ी मेहनत भी नहीं लगती है, देख सकते हैं। तो फाइनली ये हमारी बनकर खिचड़ी रेडी है, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आया है। तो ओके बाय।